लड़की, आंटी की भी लड़की हुई इस बार, हमारी भी लड़की हुई। न्यूकी ब्लॉग्स, तो कैसे आप सब? मैं भी एकदम मस्त हूँ, मतलब ठीक हूँ। अभी थोड़ा सा वही चल रहा है, बट अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मम्मी मुझे 5:15 उठा के बोल रही है यार जल्दी उठ, पे तो परेशान है। मैं बोला क्या आज हो गया? अभी मम्मी बोल रहे हैं हमारी भैंस भी आ गई है। मैंने बोला हैं, गैस मैं अपने लिए अजवाइन का पानी वो कर रही हूँ। सो गैस हमारी सुबह सुबह मम्मी गोट पे गई होगी, तो वहाँ भैंस भी आ गई, भैंस का बच्चा हो गया। अब बच्चे में क्या हुआ ये हमको नहीं पता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ नहीं गैस, ये देखो इसका बच्चा हो गया भैंस का, कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ी हुई है, थोड़ी हुई है, थोड़ी हुई है, छोटी सी, कुछ भी नहीं दिख रहा। धुआं लगाया है क्योंकि बच्चे काटे हो गए इसलिए। लड़की बाकी सब इधर, तो हमारी हुई है लड़की, आंटी की भी लड़की हुई है इस बार, हमारी भी लड़की हुई। तो बधाई दे देना कमेंट सेक्शन में हमको, हमारी थोड़ी हुई है। थोड़ी लड़की को बोलते, थोड़ा लड़की को बोलते, हमारी थोड़ी हुई है। तो कल तक अब हमारे पास फिर से देनाली हो जाएगी। अभी हमारा गाय भी आने वाला था, मतलब उसका वो भी प्रेग्नेंट है, हमारी गाय भी प्रेग्नेंट है, तो वो दूध नहीं दे रही है। तो आंटी कहाँ से लगाया था, लेकिन अभी भी आ गया है, बट अभी इस महीने तो लगाएंगे, फिर अगले महीने से फिर अपनी भैंस का दूध पियेंगे। गाइस आज स्कूलों की छुट्टी है और आप मौसम देखो, कल दिन बारिश थी, ये सब क्यों होता है हमारे साथ? हाँ मम्मी बोलिए मैं जंग लड़ने जा रही हूँ, मम्मी दूध लगाने जा रही है गाय को, मतलब भैंस को। पहली बार भी आया वो, अभी तक नहीं आया था, पहली बार थोड़ी से भैंस बनाया पहली बार, तो मैं पहली बार जा रही है। फिर पहली बार में डर रहती है ना, कहीं लात आत ना मारे ये वो करके, तो मम्मी बोल रही मैं जा रही हूँ जंग लड़ने, तो अंदर का काम कर मैं उसका काम करती हूँ। सो गाइस हमसे बोला गया था कि बारिश होगी तो रहने देना, और बारिश नहीं होगी तो स्कूल आना। तो इतना किस्मत खराब हो गया, कुछ नहीं कहा जा सकता है, स्कूल ही जाना पड़ेगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है। कुछ मौसम भी क्यों खाता होगा इतना, क्या बोलते हैं, काश ये 9-10 बजे तक बारिश, 9-10 बजे से ऐसी खतरनाक बारिश आए ना, बाय गॉड कह रही हूँ, सब अंदर पैक हो जाए एकदम, तब मज़ा आएगा। तो गाइस मैं इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती हूँ वैसे, ये जो आपको डेकोरेशन दिख रही है ये मैंने ही करी थी, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं करी थी उस दिन। यस, ये डेकोरेशन इज डन बाय पप्पू। इतना क्यों नाच रही हो, तुम्हारी थोड़ी सॉरी, ऐसे करो ना, हम कल आने का है तो मैं आज पप्पू को रिंग बनाऊंगी गाइस। इसमें बनाना, इसमें वाह गाइस मेरी रिंग, ये मैं तुम्हें हार पहनाती हूँ पप्पा, हार ही पहनाओगी तो मुझे गाइस, तुमको भी करनी है रिंग सेरेमनी, तुम्हारा तो दूल्हा हराया है अभी। गाइस पहुंच गए हम लोग मार्केट, थक चुकी है। दीपा मैम नहीं थके, दीपा मैम और मैं बोल रहे हैं पैदल पैदल चलते हैं, आज हम बहुत ज़रूरी काम करने आए गाइस, अपने आप से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है वो, चलो। हमने ऑटो ले, मतलब टुक टुक ले ही लिया है गाइस, मैंने कुछ लिया है, किसके लिए लिया है वो घर जाके बताऊंगी, यहाँ से मिलने नहीं है, तुम्हारे लिए क्यों लूँ, खाली हाजिरी हूँ, मिलने आए नहीं गाइस। इन दोनों का फिर से डिस्कशन स्टार्ट हो गया, दीपा मैम शर्मा के टमाटर की तरह लाल हो रखी है, खा
बना दिया, अभी खाया, मैं डाइटिंग में हूँ। ओनली सैलेड। तुम कैसे, ये बोली थी मैं कैसी लग रही हूँ बताना। पैसे आए, पैसे आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा 100 रुपया कहाँ से आया। हम निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से और हम बाहर आ चुके हैं और अभी दीपा मैम को ताप लग रही है गोलगप्पे खाने की। दीपा मैम मैं तो मरने वाले पान बोली को पगू थक गई, घूंघट की आड़ पे हो गई है, गोलगप्पे खा रही है वो। तो गाइज मैं अब घर को मतलब घर में पहुँच ही चुकी हूँ, बस रास्ते में हूँ तभी जा रही हूँ। और प्रियांशु घर में होता है तो उसको देती हूँ, उसके लिए जो लेके आई हूँ। बाकी सुबह तो ऐसा ख़तरनाक मौसम हो रहा था ना गाइस, बहुत बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था धूप तो कहाँ ही आएगी, मतलब बादल वाला मौसम हो सकता है लेकिन धूप तो कहाँ ही आएगी ऐसा लग रहा था। लेकिन धूप ने अपने दर्शन दे ही चुकी है, धूप एज यू नो जब भी छुट्टी होती है ये ना उसमें लिखा होना चाहिए, इतिहास गवाए वाला इतिहास में लिखा होना चाहिए हमारी हिस्ट्री में कि बारिश तो नहीं आएगी, भले ही तुम छुट्टी जिस दिन तुम छुट्टी दो, भले ही तुम बिना छुट्टी दिए बच्चों को घर भेज दो एक बार, मतलब सुबह सुबह मैसेज कर दो लेकिन ऐसा मत करो। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और रिलैक्स तो घर के कपड़ों में मिलता है। क्या बोल रहे हो? मेरी मम्मी मुझसे बोली कुछ नहीं भाई, तो मेरे लिए कुछ नहीं भाई, पैसे दिए थे आपने मुझे, डोसा पैक करा के लाऊंगा आपके लिए, एक दिन घर में बनाएंगे मम्मी डोसा हैं, पिज्जा भी बना दिया, डोसा बनाएंगे, मोमो तो बना पहले, मोमो भी बनाने थे गाइस हमने एक दिन लेकिन हमने अभी तक बनाए नहीं। अब देखो मौसम साथ नहीं दे रहा है या हमारी तबीयत साथ नहीं दे रही है, किसी दिन तो बनाएंगे। सो गाइस अभी शाम हो चुका है और प्रियांशु अभी तक घर नहीं आया, मैंने सोचा उसको दूंगी घर जाते लेकिन वो घर में है ही नहीं, कैरम खेलने गया था उसके वहाँ। और मेरे घर में आते रहते ना, मेरा भाइयों ने ये खाना वाना बनाया होगा तो उन्होंने किचन ऐसे फैला रखा है और मुझे भी तब ताकत नहीं आती, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लिया तो ये सारा मैस क्लीन करते हैं और तब तक मैं फ़ोन को अपने चार्ज कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से इधर से उधर लेके घूम रही हूँ, लेकिन इसको भी तो खाना खिलाना पड़ता है, इसको भी ताकत चाहिए खाना खाना है इसने भी, तो इसको भी खाना खिला देते हैं थोड़ा सा, बाकी हम भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गाइस फाइनली प्रियांशु घर आ चुका है और हम इसके लिए सरप्राइज नहीं रखेंगे क्योंकि नहीं मेरे रखना चाहिए था, मैं ये भी कहीं उस गधे का जैसा होता तो देखा ना, बता चल सोच क्या हो इसमें, बैगी जीन्स हैं, बैगी जीन्स वहां तिल्ले 900,000 रुपए आ रखे मेरे पास बैगी जीन्स लाने के लिए, शर्ट नो, कपड़े की चीज है तो कार को तो खुद ही देख ले यार, क्या हो सकता है, क्या इससे क्या, हाँ वही तो है, ऐसी बात कर रहे हैं यार भाई, वो एकदम सेम कलर का जैसा मेरे को चाहिए था, बढ़िया कुछ तो अच्छा करती है मेरे लिए जिंदगी में, बढ़िया भाई मेरे को चाहिए था, मैं कहा मेरे फट गया था, धन्यवाद। साइज तो देख ले, डबल एक्सेल मिला मुझे, सही तो है। तो गाइज ये गधा इंसान मुझसे बर्थडे के दिन से बोल रहा है उसके लिए लाई पैंट मेरे लिए नहीं लाई, जबकि मैंने इसका बर्थडे भी मनाया था, इसका क्या बोलते हैं इसको 500 रुपये भी दे दे फिर भी वो करा था। पहन चुका है प्रियांशु ने, डू यू लाइक इट? सो गाइज ही लाइक इट, मुझे पता था उसको पसंद आ ही जाएगा, और कलर तो मैं ऐसे छाट छाट के लाई थी, एक इसका डार्क वाला कलर था, फग्गू कह रही थी ये वाला ले लो सेम है, मैंने बोला ना उसको लाइट में चाहिए तो मैं लाइट में ही लूँगी, और इसकी थोड़ी सी जेब में ऐसे थोड़ा सा फटा भी था लेकिन इसका कोई और एक्सचेंज नहीं, लेकिन उधर दिख नहीं रहा है तो कोने में, कहाँ पे वो पता नहीं चलेगा, वो अभी पता नहीं चलेगा ऐसे, बट तो कैसे पता चलेगा, पता नहीं चलेगा वो ऐसे जादू ही है, तभी मैंने बोला चलो ले लेते हैं, और कोई कलर ही नहीं था, मतलब ऐसा में और कोई था ही नहीं तो मैंने बोला इसी को ले लेते हैं। अभी हो चुका है हमारा टी टाइम, तो मम्मी के लिए भी मैं चाय लाई हूँ, मम्मी अभी पहले गाय के लिए दाला, गाय भैंस के लिए दाला रख रही है, एक मिनट। तो गाइज मम्मी जब गाय नहीं जब भैंस की बच्ची हुई थी तो मम्मी ने उसको छुआ था, इसलिए मम्मी आज काम नहीं कर सकती अंदर खाना बनाने का, इसलिए मुझे करना है आज का काम। और हमारी थोड़ी स्वस्थ मस्त है,
नामकरण करेंगे और खीर खाएंगे। गाइस मैं काटने लग गई हूँ सब्जी, क्योंकि अब बनाने लग जाते खाना अपने हाथों में सारी जिम्मेदारी, इसलिए। तो गाइस अभी मैंने खाना बना दिया है और आज पता नहीं कैसी दाल बनाई मैंने। भात इन लोगों ने सुबह से खाया नहीं था तो मैंने वो भात बना दिया और मुझे कति एक परसेंट की भूख नहीं है तो हम ना मैंने खा ली। आप बताओ कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है बताओ ना। पतला तो नहीं हो रहा है और ज़्यादा पानी हो गया शायद, मुझे ऐसी फीलिंग आई। प्रियांशु तो तुमने दिखाई गए मेरे सबको, तो गाइस विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ने 100 मारे। वाह, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है गाइस, जो लोग देख रहे हैं मुझे तो कोई आइडिया नहीं इस बात का, छोड़ो। हमने खाना खा लिया है लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रियांशु से पूछना है कि कैसा बना है, क्योंकि वो हमेशा मेरे खाने की बेइज्जती मारता रहता है। कैसा बना था खाना? ठीक था। गाइस मम्मी बोल रही चिकन जैसी खुशबू आ रही है, ओवर हो गया, पूछा दो अभी। ऐसी क्यों बोलेगी मम्मी? ऐसे मम्मी बोल रही आज तूने क्या ही की दाल बनाई है, मुझे चिकन जैसी खुशबू आ रही है। खुशबू टेस्ट थोड़ी हो रहा है, टेस्ट क्यों होगा पर चिकन थोड़ी है, अच्छा तो ही रहा ना, बस इतना ही काफी है ना। पुलाव बनाना सीख, शट अप, ले ले सीख। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो इसका वो जो कार्गो पैंट था वो काफ़ी ज़्यादा मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिला था। हाँ वो जो क्या बोलते कार्गो पैंट्स होते हैं वो 500 से अबव आते हैं, यहाँ तक कि 1000 तक भी आते हैं और उससे ज़्यादा महंगे भी आते हैं, लेकिन 1000 तक फिर भी आ जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ और हम V2 में गए, हम लोग वैसे कुछ लेने नहीं गए थे, सिर्फ फेंकने गए थे, मतलब देखने गए थे क्या आया है, अगर कुछ अच्छा लगे तो वाली बात हुई थी। तो हम गए नीचे भी देख के गए, फिर ऊपर गए, ऊपर गर्ल्स का सेक्शन पूरा छान लिया, कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर नीचे को आए, फिर सामने पे नज़र पड़ी, मैंने बोला इतने सारे कार्गो पैंट आज यहाँ पे कैसे। फिर गई तो वहाँ पे देखा कि सबसे पहले प्राइस देखा, वो जो क्या बोलते हैं वहाँ पे एक स्टिकर लगाया था वो उसमें लिखा था 400, मैंने बोला 400 का। फिर क्या बोलते हैं मैंने उसमें प्राइस देखा तो उसमें 350 का। तो गाइस जिसको भी लेना है कार्गो पैंट फटाफट कल को ही V2 भाग जाओ, अभी भाग जाओ, क्योंकि 350 में आपको एक अच्छा खासा कार्गो पैंट मिल जा रहा है। सो लूट डील है और ले लो जाओ, फ्री में आपको मैंने मुफ्त का डील बता दिया। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे YouTube चैनल को। अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको डेली मेरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।